हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल को लेकर के। हाल ही में इसका सीजन चला हुआ है जून और जुलाई के महीने में, और इसका सीजन साल भर में 1 से 1.5 महीना ही रहता है। और जो लोग शुगर से पीड़ित है या मधुमेह डायबिटीज जिनको रहती है, वो लोग इस फल का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब इस फल का सीजन आए और हम इस फल को खाएं। वो फल कौन सा है, देख सकते हैं हमारे सामने है जामुन का फल। और जामुन का एक ऐसा फल है जो शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, शुगर वाले पेशेंट इसका इंतजार करते हैं कि कब जामुन का सीजन आए और कब हम जामुन खाएं और बिना दवाई के हमारी शुगर कंट्रोल में रहे। तो इसका सीजन 1 से 1.5 महीने रहता है, अभी चला हुआ है जून जुलाई का महीना। तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे उन प्यारे दर्शकों से जिनको शुगर रहती है, मान लो डायबिटीज रहती है, मधुमेह, जो भी कह लो, तीनों नाम है शुगर के ही है, तो वो जामुन जरूर खाएं। 100 ग्राम 200 ग्राम जामुन प्रतिदिन खाएं। अगर आपको शुगर नहीं भी रहती है तो भी आप साल में 1 महीना 1.5 महीना जामुन के फल का प्रयोग जरूर करें। एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, वो यही लागू होती है। कैसे, अभी सीजन चला हुआ जामुन का, 1 से 1.5 महीना चलेगा, इस समय आप जामुन खाइए, रोजाना खाइए, प्रतिदिन खाइए, 100 से 200 ग्राम खाइए, ठीक है। और आप जामुन खाने के बाद जो इसकी बीच वाली गुठली निकलती है ना, गुठली, जामुन की गुठली, उसको इकट्ठा कर लीजिए और छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद जब इसका सीजन चला जाए तब इसको बिल्कुल सुखा करके बिल्कुल बारीक पाउडर कर लीजिए और कपड़ छान कर लीजिए। और साथ में बराबर मात्रा में जितनी आपकी गुठली का पाउडर है उसी के बराबर मात्रा में पंसारी से आपको एक औषधि लेकर आनी है जिसका नाम है गुड़मार। गुड़मार की छोटी छोटी पत्तियां होती है, वो पत्तियां आपको लेकर आनी है, उसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद दोनों को एक जगह पर मिलाकर किसी डिब्बे में भरकर रख लीजिए। अब जिनको शुगर रहती है, नॉर्मल शुगर रहती है, तो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को खा लीजिए। अगर किसी की शुगर हाई रहती है, 350-400+ रहती है, तो दिन में 3 बार 1-1 चम्मच ताजा पानी के साथ लीजिए, शुगर आपकी नियंत्रित रहेगी। और फायदे बहुत ज्यादा हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, फाइबर भरपूर मात्रा में है, आयरन भरपूर मात्रा में है, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है, स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको कील, मुहासे या फिर डार्क सर्कल रहते हैं, एलर्जी रहती है, कुष्ठ रोग रहता है, उनके लिए ये जामुन का फल है बहुत ही फायदा करता है। स्किन को बिल्कुल फ्रेश रखता है, क्योंकि जो जामुन होता ना, इसका कलर कैसा होता है, डार्क बैंगनी, बैंगनी होता है, यानी डार्क बैंगनी, ठीक है। और जो बैंगनी कलर है वो कुछ ही खाद्य पदार्थों में मिलता है, जैसे जामुन हो गया या फिर चुकंदर हमारा हो गया, काली गाजर जो हो गई, इनमें बैंगनी कलर मिलता है। और हमारे जो कलर है वो 7 प्रकार के, लाल है, सफेद है, हरा है, ऐसे 7 कलर है। लेकिन बैंगनी कलर हमें सभी खाद्य पदार्थों में नहीं मिलता, वो हमें मिलता है जामुन में, गाजर में, चुकंदर में। और बैंगनी कलर की हमारे जो पूर्ति करनी होती है बॉडी की, क्योंकि 7 कलर का हमारे बॉडी में बैलेंस रहेगा तो हमें कुष्ठ रोग नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, स्किन रोग नहीं होगा, स्किन हमारी ताज़ा रहेगी, ग्लो रहेगी, फ्रेश रहेगी। तो बैंगनी कलर का हमारे बॉडी में जामुन का काम रहेगा तो स्किन हमारी बहुत ही हेल्दी रहेगी, मजबूत रहेगी। तो आप जामुन का प्रयोग स्किन के लिए भी कर सकते हो। नंबर 3 पर बात आती है लीवर। लीवर मजबूत रहेगा, इनका फैटी लीवर रहता है, लीवर को ठीक रखने के लिए जामुन बहुत फायदेमंद है। जामुन आप लीवर के लिए भी खा सकते हो। जामुन का इस्तेमाल आप जिनको थायराइड रहता है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, दोनों थायराइड में जामुन का फल बहुत काम करता है, क्योंकि इसमें जो हम जामुन खाते हैं थोड़ा कसाई टेस्ट होता है,
जब गले से नीचे हमारे उतरते थोड़ा खिंचाव होता है और थायराइड ग्रंथि हमारी यहाँ पर, तो उसमें खिंचाव होगा तो उसमें स्टेमुलेशन होगा। स्टेमुलेशन से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो एक्टिव होगी और जो उसमें स्राव होता है, जो रस हमारी थायराइड ग्रंथि छोड़ती है, उसमें जामुन बहुत फायदे करती है। लेकिन उनको खानी कैसी है जामुन, बिल्कुल धीरे धीरे सेवन करना है, उसका आनंद लेना है, उसके रस का हमारी थायराइड ग्रंथि पे घर्षण होना चाहिए। दोनों तरह के थायराइड में आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हो, विदाउट मेडिसिन आपको फायदा होगा। इसके बाद जिनको पेट की दिक्कत रहती है, पेट में गैस्ट्रिक बनता हो, अफारा होता हो, कब्ज होती हो, पाचन क्रिया ठीक ना हो, मंदाग्नि यानी भूख कम लगती हो, तो उनके लिए जामुन बहुत फायदेमंद है। प्रतिदिन जामुन खाइए। कैसे खाइए, थोड़ा सा डिफरेंट करना है। जामुन के साथ आप सेंधा नमक या फिर काला नमक मिला लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सेंधा नमक या फिर काला नमक। काला नमक खाएंगे जामुन के साथ में तो दीपन और पाचन का दोनों का काम करती है। और जामुन फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, खाने को अच्छे से पचाएगा, पाचन क्रिया ठीक करेगा और भूख जबरदस्त लगेगी। तो आप भूख बढ़ाने के लिए, पेट रोग के लिए आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हो। मोटापे के लिए आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाइबर है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नियंत्रित करने के लिए मोटापा, आप 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम तक जामुन प्रतिदिन सेंधा नमक और काला नमक मिलाकर ले सकते हो। कितने गुण है जामुन के, इतने गुण है। 1 से 1.5 महीना साल भर में हम जामुन खाते हैं तो पूरे साल हमें जामुन के असर देखने को मिलेंगे। तो मैं तो गुजारिश करूंगा, जिनके घर पर जामुन का पेड़ है जामुन खाइए, अगर जिनके घर पर जामुन का पेड़ नहीं है वो मार्केट जाकर इस 1 से 1.5 महीने का जो दौरान पीरियड होता है, जो सीजन होता है जामुन का, उसमें आप जामुन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। जिनको शुगर है उनको तो करना ही करना है, जिनको शुगर नहीं है उनको भी करना है, क्योंकि आगे चलकर उनको शुगर से बचाव हो सके, बचे रह सके, तो जामुन का प्रयोग करना है। साथ में आपकी लीवर की बीमारी, स्किन की बीमारी और आपके पेट की बीमारी, मोटापे की बीमारी, ये आपकी ठीक रहेगी। तो आज से ही जामुन के फल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, और बहुत ही स्वादिष्ट फल है। और आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है और हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि आप तक हम और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आए। और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो हेलो उपचार के नाम से है, उसको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आगे जो भी हम वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो दोस्तों, इजाज़त लेते हैं, सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।